अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज एक और बाइक के रिव्यू के साथ हाजिर हैं हम लोग। जो बाइक है ये है क्राउन की ईजी, और ये स्कूटी है वैसे तो। और स्कूटी आप देख सकते हैं आजकल बहुत सी स्कूटीज़ आ रही हैं मार्केट में, और भी आपको अंदाज़ा होगा। जैसे हमने एक जोल्टा की बनाई थी, अच्छा मीटर इसका मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर के साथ साथ इसमें आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिल रहा है, और इंडिकेटर लाइट्स भी हैं, और बहुत ही अच्छा इजी सा शेप है। नाम भी इजी रखा है इन्होंने, इजी राइड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेंशन। सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी, पीछे कैरियर देख सकते हैं, एक अच्छा लंबा कैरियर है इसका। और बहुत ही देखा जाए तो फीमेल ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो बाइकर्स हैं आजकल, जैसे कि फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा बाइक का इस्तेमाल कर रही हैं, अच्छी बात है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी बाइक स्कूटी एडिशन हो सकता है। वैसे तो स्कूटी मैंने आपको बताया जोल्टा की भी आती है, यूनाइटेड की भी आती है, तो उस हिसाब से ये अच्छा। इसका सबसे मेन जो देखा जाए इसका फ़ायदा मैं बताना भूल गया आपको, ये भाई ऑटोमेटिक है, इसमें क्लच की टेंशन नहीं है आपको, गियर की कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए सिर्फ हैंडल है, ब्रेक है एक तरफ, सीट इसकी बहुत सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड होने वाली है। इसकी फ्रंट देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा स्पेस है। टैंक क्योंकि इसका ना टैंक ऊपर नहीं है, और मटेरियल भी देख रहा हूँ तो मैं अच्छा मुझे लग रहा है बाइक का, तो एक अच्छी बाइक लगी मुझे इसकी। और ये अगर आप देखें सिर्फ चाबी लगी हुई है सीट के नीचे, इसका अच्छा फ्यूल टैंक है, तो फ्रंट से जैसे कि आपने देखा होगा फ्यूल नहीं है। सस्पेंशन भी इसके मुझे अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। ओवरऑल अगर इसकी बॉडी की बात करूँ ना, तो बहुत ही एक लाइट वेट बॉडी है, 70cc का इंजन है, और ये क्राउन की इस तरफ आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, बहुत सिंपल इन्होंने स्टिकर वगैरह रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर शोशा नहीं है। उसके अलावा मीटर मैंने आपको बताया, इसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, गियर्स का वैसे ही इन्होंने ऊपर इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन गियर ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होंगे क्योंकि आपको गियर की टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा इसमें सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल बाइकर्स के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा ऑप्शन है कि आपको भाई किक नहीं लगानी। वैसे किक भी इसमें मौजूद है, अगर आप फंस जाते हैं कहीं, कोई मसला हो जाता है, तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको सेल्फ स्टार्ट बटन स्टार्ट मिल रहा है, और फुली ऑटोमेटिक बाइक है, कोई गियर नहीं डालना, आराम से पेट्रोल भराएं और बस रेस देते रहें और चलाते रहें, तो अच्छी बाइक है। आजकल जाहिर है जो हमारे हालात हैं उस हिसाब से ये हमें इसी तरह की बाइक्स की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा क्लच ना हो, रोडों का हाल इतना बुरा हो सकता है। अच्छा इंडिकेटर भी इसके बहुत ही छोटे साइज़ के, अगर आप देखें ना सामने की तरफ, बहुत ही छोटे साइज़ के इंडिकेटर हैं। अच्छा इस बाइक को इन्होंने ज़्यादा हैवी नहीं किया, अगर आप देखें इसके शेप को बहुत सिंपल रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने डिफरेंट समझ सकते हैं बॉडी पार्ट्स नहीं बढ़ाए हुए। सीट का मैंने आपको बताया बहुत ही कंफर्टेबल है, इसके नीचे अभी आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, तो ये है कि उस सीट खुल के ना काफ़ी स्पेस भी है, तो ये एक अच्छा वो है कि मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं इतने ऑप्शन में। प्राइस भी हम आपको बताएंगे, ये इसका साइड का मैंने बताया कि की थी, और ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। टायर साइज़ इसका वही है जो कि 70 नॉर्मल 70 बाइक्स में होता है, और ये इस तरफ आप देख सकते हैं इसका इंजन है। उसके अलावा क्लच इसमें मैंने बताया टेंशन नहीं है, गियर की गियर आपको है नहीं, तो आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो बस ये है कि सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ ये आपके इसको 3-4 कलर्स मिल जाते हैं आपको, ब्लैक में भी आती है, रेड में भी आती है, और ब्लू में भी आता है। ये आपके सामने एक ब्लू कलर भी अभी आ रहा है, इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑटो क्लच है, इजी स्टेप थ्रू है, और सेल्फ स्टार्ट है। तो अच्छा बाइक है, एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप कोई अच्छा बाइक देख रहे हैं, और आप सस्ता तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अगर आप फीचर्स देखना चाह रहे हैं कि नॉर्मल उस बाइक के मुकाबले में कोई डिफरेंट स्टाइल की बाइक हो, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा अब इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो इस बाइक की है वो अराउंड 120,000 रुपीज़ है, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको 3-4 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ समझें आपको अराउंड 125 तक की पड़ जाती है। तो प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है 70cc नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले में, लेकिन वही वाली चीज़ है, इसमें आपको बहुत काफ़ी ईज़ मिल रही है, आपको गियर की टेंशन नहीं है, क्लच की कोई टेंशन नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा। और आप इसका अगर देखें तो साइलेंसर भी इन्होंने 125 वाला यूज़ किया है, नॉर्मल साइलेंसर भी यूज़ नहीं किया, तो उस हिसाब से एक अच्छा बाइक है, सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है आपको, तो अच्छा बाइक है अगर आप लेना चाह रहे हैं इस तरह का, ख़ासतौर पर फीमेल जो देखना चाहती हैं ईजी बाइक चलाने में, उनको ज़्यादा मसला ना हो, गियर की टेंशन ना हो, तो वो इस बाइक को लें। और उम्मीद है कि ये आज की वीडियो शॉर्ट सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको बाइक कैसी लगी, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी बताइएगा कि आपका कैसे रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।